प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि मानसिक घर हमारे घर में अलग अलग तरह के कमरे होते हैं, जैसे कि हॉल, बैठकी का कमरा, स्वयंपाक घर, झोपड़ी की खोली, आंगन की खोली, है ना। तो अलग अलग तरह के रूम होते हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि इन रूमों में बहुत सारे सामान होते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं ये सामान को मराठी में क्या कहते हैं और हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर टीवी। टीवी यानी उर्दू में इसे कहते हैं टेलीविजन और मराठी में इसको टीवी ही कहते हैं। इसके बाद है मोबाइल फोन, जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको मराठी में भी मोबाइल कहते हैं। ये पंखा, जो हमें ठंडी ठंडी हवा देता है, मराठी में इसे पंखा ही कहते हैं। ये सोफा और मेज, जो अक्सर हमारे हॉल में होता है, इसे मराठी में सोफा और टेबल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे किचन के सामान, जैसे कि ये डब्बा जिसमें हम बहुत अलग अलग तरह के सामान रखते हैं। ये है कढ़ाई, जिसे मराठी में कढ़ाई कहते हैं। इसके बाद है चिमटा, जिसे मराठी में साठसी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम बर्तन को पकड़ने के लिए करते हैं और पापड़ तलने के लिए भी। ये है छन्नी, जिसे हम चाय छानते हैं, मराठी में इसे चाटनी कहते हैं। ये है चम्मच, जिसे हम दूध पीने के लिए या कुछ साथ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारा कप, जिसमें हम दूध या चाय पी सकते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि हम अगले वीडियो में देखते हैं। शुक्रिया।